गोवा स्काईबस मेट्रो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला था जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाली एक पहली नई और शानदार टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जा सकता था। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसे एज ए ड्रीम प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज किया गया था और इसे उन्होंने गोवा को अपनी तरफ से 2003 के न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर देने की बात कही थी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट काम जोरों से आगे बढ़ा, टेस्टिंग ट्रैक्स भी बने, इसके ट्रायल्स भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हुई जिसके बाद में इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया गया। तो ये स्काईबस मेट्रो प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या प्रोजेक्ट था, आखिर कौन सी सी वजह थी जिसके कारण इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनने से रोक दिया गया, इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। स्काईबस मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत तब हुई थी जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में कई सारे नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे थे। गोवा को साल 2003 में इन्होंने गिफ्ट देने की बात कही थी और इसका काम मिला कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, यानी केआरसीएल को। उस वक्त के सीएमडी मिस्टर बोजी राजाराम को ये काम मिला और ये पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं के अंडर में शुरू हुआ और काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा था। स्काईबस मेट्रो को एक न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था। ये जमीन से लगभग 5.5 मीटर ऊपर एक एलिवेटेड ट्रैक पर रन करने वाली थी और इसे जर्मनी के एच-बान सिस्टम की तर्ज पर बनाया जा रहा था। स्काईबस मेट्रो में दो स्टैंडर्ड एक्सल बोगीज, एयर कंडीशन कोचेस, ट्रेवर्सर्स और स्टेशन होने वाले थे। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 10.5 किलोमीटर का एक इनिशियल ट्रायल रूट बनाया गया और बड़े प्लान की बात करें तो गोवा के तीन मेजर सिटीज पंजी, माफुसा और मारगाव को इसके अंदर से लिंक करने की बात हुई थी एक एम्बिशियस प्लान में। प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों का कहना यह था कि स्काईबस मेट्रो किसी भी दिशा में 6 मिलियन ईयरली या 80,000 पैसेंजर्स पर डे के कैपेसिटी के साथ में चल सकती है और इस प्रोजेक्ट को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा था वो ये था कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। जहां 1 किलोमीटर का मेट्रो रेल बनाने के लिए एवरेज 215 करोड़ का खर्च आता है, वही पर स्काईबस मेट्रो के रूट में 50-60 करोड़ का ही खर्च आ रहा था। साथ साथ मेट्रो में जो दूसरे कंस्ट्रक्शन और अंडरग्राउंड मेट्रो में बनाने के लिए जो 400 करोड़ तक का किलोमीटर कॉस्ट आ सकता है वो स्काईबस मेट्रो बहुत ही कम कर सकती थी। जहां पर देश में कोई एक मेट्रो रेल बनाने के लिए दशकों का वक्त लग जाता था, वही स्काईबस मेट्रो कुछ महीनों के अंदर ही तैयार हो सकती थी। तो ये हुई स्काईबस मेट्रो की बातें। अब जानते हैं ये प्रोजेक्ट बन क्यों किया गया। अब क्योंकि स्काईबस टेक्नोलॉजी अपने आप में एकदम न्यू थी तो इसे लार्ज स्केल पर लॉन्च करने से पहले इनिशियल लेवल पर इसे टेस्ट किया जाने का प्लान बना, जिसके लिए गोवा के मरगांव में 1.6 किलोमीटर लंबी एक टेस्टिंग ट्रैक को तैयार किया गया और इसके ट्रायल 2004 में यानी अनाउंसमेंट के एक साल बाद ही शुरू हो गए। लेकिन सितंबर 25 को इसी साल स्काईबस मेट्रो के ट्रायल के दौरान एक काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ। दरअसल स्काईबस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से ही स्टेशन पर पहुंचना था, लेकिन उस समय पर उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक था। इसी के चलते तेज रफ्तार के कारण स्टेशन के आगे बने हुए कंक्रीट पुल से ये टकरा गई और इसके कारण जो झटका लगा उसके कारण डोर के सामने खड़े हुए एक एम्प्लॉय के नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई। साथ ही 3 एम्प्लॉय बुरी तरीके से इंजोर हुए। इस एक्सीडेंट के बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट खतरे में ही आ गया। इस एक्सीडेंट के कारण लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का ना होना बताया गया था, बट इसे अवॉइड भी किया जा सकता था क्योंकि जब यह प्रोजेक्ट बन रहा था उस वक्त प्रोजेक्ट के लिए जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट जरूरी थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इतने बेहतर तरीके से नहीं होती थी। साथ साथ उस वक्त हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जो हाई लेवल इंजीनियर्स की जरूरत थी उनकी भी कमी थी। इस प्रोजेक्ट में जो टेक्निकल फेलियर आया वो स्विंग ऑपरेटर और अरेस्टर को लेकर आया था जो उस वक्त प्रॉपरली बनकर तैयार भी नहीं हुए थे। जो टेस्ट ट्रैक पहले से तैयार था उन्हें 10.5 किलोमीटर तक एक्सटेंड करना था, बट इस एक्सीडेंट के बाद में टेक्नोलॉजी की कमी और सेफ्टी को लेकर क्रिएट हुए इश्यूज के वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से रोक दिया गया। मगर फिर भी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी तैयारियां कर रही थी। उन्होंने कई बार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ पाए। 50 करोड़ की लागत से बनाए गए स्काईबस के टेस्ट ट्रैक की मेंटेनेंस काफी महंगी हो रही थी, साथ साथ बढ़ते प्रोजेक्ट कॉस्ट को देखते हुए सालों तक का डिले अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। फाइनली साल 2013 में केआरसीएल ने गोवा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के इस सिचुएशन के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। हालांकि केआरसी ने स्काईबस टेस्ट ट्रैक के मेंटेनेंस और उसके अपग्रेड करने के लिए कई फॉरेन फर्म्स ने उन्हें इंटरेस्ट दिखाया है ऐसा कहा था, लेकिन किसी ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और लास्टली केआरसी ने अपना जिस ट्रैक का निर्माण किया था वो अनसेफ बन रहा था, इसकी वजह से इसे डिसमेंटल कर दिया, बेसिकली इसे गिरा दिया गया। अगर जरा और जरा डिटेल में बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी पॉलिटिकल चीजें भी इंक्लाइंड थी। जब सरकारें चेंज हुई तो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट से
विरोध का सामना करना पड़ा। कई दूसरे ऐसे एलिगेशन भी लगाए गए जो टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरीके से गलत थे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल किया गया एज बेसिस इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए। आज गोवा में स्काईबस मेट्रो प्रोजेक्ट का नामो निशान भी नहीं मिलता, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाता तो ना सिर्फ गोवा लेकिन इंडिया के कई दूसरे शहरों में भी हमें शायद स्काईबस मेट्रो देखने के लिए मिलती। जो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बेहतर करने के लिए ये केपेबल साबित हो सकती थी। और ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकिन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे बी राजाराम जी के लिए भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर गवर्नमेंट ट्रायल के दौरान हुए एक्सीडेंट और टेक्निकल इश्यूज को अवॉइड कर लेती थी तो ऐसा हो सकता था कि ये प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं होता। अगर बात करें आज के डेट में गोवा की, तो अभी भी जो ये महत्वपूर्ण शहर है उनके बीच में बस और रोड ही मेजर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनकर आता है, और कोई बहुत बड़ी कैपेसिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क यहाँ पर मौजूद नहीं है जो मे बी यहाँ के लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल बन सकता था। लेकिन देश के कई सारे प्रोजेक्ट की तरह ये भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया। इस वीडियो के लिए जो सोर्सेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके पास कोई टॉपिक है आप नीचे कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।